सभी साथियों को नमस्कार। आज हम शेयर करेंगे जिसमें बरसात के बाद से कुछ कीड़े मकोड़े ये और फल चूसक जो कीट है पत्तियों को जो नुकसान पहुंचाते हैं, उड़ने वाले जो पतंगे हैं ये काफ़ी परेशान कर रहा है। जैसे बैंगन हुआ, टमाटर, मिर्ची, इसमें इसको प्रभावित कर रहा है। तो हम सोचे कि इसके लिए कुछ YouTube पे सर्च करें। हमने YouTube पे सर्च करने के बाद एक येलो टेप के बारे में देखा है, तो मैं भी आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि इससे किस तरह से बनाया जाता है और इससे कीट पतंगों के रोकथाम कैसे कर सकते हैं। आइए हम शुरुआत करते हैं। मैंने एक ये येलो कलर के फाइल कवर लिया है, आप कोई भी बोर्ड ले सकते हैं येलो कलर के, अगर बोर्ड मिल जाता है तो उस पर भी आप बना सकते हैं। ये मेरे पास एक फाइल कवर था तो हमने सोचा इससे दो पीस बनाया जाए। आधे पीस से हमने दो टुकड़े में इसको काटेंगे इसको। और मैंने देखा है कि ये येलो टेप जो है, स्टिकी टेप, ये काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। मैंने पहले भी एक लगाया था दो तीन दिन पहले, उसमें मैंने देखा कि उसमें काफ़ी मात्रा में कीड़े चिपके हुए हैं। आइए इसको हम आगे की प्रोसीजर बताते हैं। जैसे हमने इसको छोटे टुकड़े में काट लिया है, ये अब इसमें क्या करेंगे, ये ऑलरेडी छेद बना हुआ है, हम एक और छेद बना के यहाँ धागे से इसको लटका सकते हैं। देखिए, मैंने ये जो फाइल कवर है इसलिए रखा था कि इसमें मैं फ्लैग बनाता था, कोई भी बीजे वगैरह लगाता था तो उसमें इस तरह से फ्लैग बनाता था और बना के उसमें नाम लिख देता था कि मैंने कौन सा बीजा लगाया है और इस तरह से इसको लगा देता था, इसके लिए रखा था। लेकिन जब मैंने यूट्यूब में देखा है कि ये येलो कलर से ये ट्रेप बना रहे, तो मैंने भी सोचा कि चलो बना के देखा जाए कि इसकी क्या रिजल्ट आता है। इसमें क्या करते हैं कि पहले हम इसमें ये जो येलो कलर के कागज़ रखा है या फाइल कवर के जो मैंने पीसेस काटा है, इसमें ग्रीस लगाएंगे। ये ग्रीस जो है कोई भी टूल्स के दुकान हो या साइकिल स्टोर हो वहाँ पे भी मिल जाएगा। ये गाड़ी की मरम्मत जहाँ भी होती है वहाँ पे ये ग्रीस मिल जाता है, पैकेट आती है आपके 20 रुपए की पैकेट आती है। ये आप घर पे जरूर रखिएगा, किसी चीज़ में जंग वगैरह लग रहा हो तो उसमें भी हम ये ग्रीस लगा देंगे तो वो उसमें भी फ़ायदा होता है, लेकिन एक पैकेट ग्रीस घर पर रखना चाहिए। अब देखिए क्या है कि ये जो कागज़ में है इसमें पूरे किसी भी चीज़ से आप इसको पूरे कागज़ में इसको फैला दीजिए, सारे पूरे कागज़ में अच्छे से ये ग्रीस फैल जाए। तो ग्रीस फैलने के बाद क्या होगा कि ये ग्रीस में आके जो उड़ने वाले कीड़े हैं, रात में ये ज़्यादातर दिखते हैं, दिन में आपको नहीं दिखेगा। दिन में या तो पत्तियों के बीच में छिप जाते हैं, कहीं और छिप जाते हैं, और रात में मैंने लाइट जलाया तो इतने ज़्यादा लाइट के पास दिखा मुझे। और मैंने उसको जब उसको गूगल में सर्च किया तो देखा कि सारे जो कीड़े मकोड़े हैं, ये देखिए कि ऐसे कीड़े बैठ रहे हैं, अभी लाइट जला हुआ है इसमें आके ये छोटे छोटे बैठ रहे, ये पत्तियों के तना के रस चूसने का काम करता है, ये इसको कमज़ोर कर देता है। देखिए मैंने ये पूरे में ग्रीस लगा दिया, क्या है कि एक बार जब ग्रीस लगाएंगे तो ये जल्दी सोख लेता है, ये कागज़ जो है काफ़ी मोटी है तो इसको ग्रीस को सोख लेता है। तो हम क्या करेंगे, ग्रीस को कम से कम एक बार लगाने के बाद थोड़ी देर बाद एक थोड़ा सा और लगा देंगे। ये देखिए कीड़े अभी से आके चिपक के बैठने लगा है इस पर, ये रात के समय है, रात के 8 बज रहे। अब क्या करते हैं कि जब ये ग्रीस लगाने के बाद ग्रीस को सोख लेता है लेकिन हल्का हल्का ऊपर ग्रीस लगा रहता है, तो उसमें क्या करेंगे, हम कोई भी ऑयल, जो जला हुआ ऑयल हो या कोई भी खाने का तेल भी आप इसमें यूज़ कर सकते। मैंने ये छोटे से कुप्पी में इसमें ये इंजन ऑयल था मेरा गाड़ी का, तो वो मैंने रख लिया था। मैं ये जो भी गाड़ी की सर्विसिंग होती है, जो भी इंजन ऑयल वगैरह निकलता है तो मैं उसको वापस ले आता हूँ, ये भी कई बार काम आता है।
तो ये पूरी इंजन ऑयल इसमें हमने पूरे में लगा दिया, और ये कागज़ की ये बना के हमने इसको चारों ओर अच्छे से फैला दिया है। ये कम से कम ऑयल जो है ये आपको 2 बार 2 या 3 बार लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑयल भी वो धीरे धीरे कागज़ के सोख लेता है। तो जब 2-3 बार लगाएंगे तो ये जो है चारों ओर अच्छे से लग जाएगा और एक चिपचिपा गोंद टाइप का बन जाएगा। ये हम घर पे बना रहे हैं, ये मात्र 4-5 रुपये खर्च आता है, उतना भी नहीं आता होगा। एक फाइल कवर जो है ये 2-3 रुपये में मिल जाता है, उसमें तो 4 स्ट्रिप बन जाती है, थोड़ा सा ग्रीस और थोड़ा सा ऑयल जो आपके पास ऑलरेडी घर पे रखा रहता है। तो ये इसको बना के ये हमने बना लिया है इसको। ये देखिए कीड़े आके ये बैठ रहे हैं। इसको हमने पूरे बनाने के बाद, इसको ऑयल अच्छे से ऑयल लगाने के बाद, इसको हम कहीं पे भी ऐसे जगह टांगेंगे जहाँ लाइट आ रही हो। देखिए ये कीड़े आके बैठ रहे हैं। ये येलो कलर इनको बड़ा पसंद आता है, येलो ग्रीन ये कलर, क्योंकि फूलों के कलर ज़्यादातर रेड पर्पल ऑरेंज जो इस तरह से कलर है जिस पे आके ये बैठते हैं, तो वो उस कलर पे ये आकर्षित होते हैं। ये देखिए पहले मैंने 2-3 दिन पहले ये एक ट्रेप लगाया था, इसमें देखिए कितनी तादाद में ये सफ़ेद मक्खियाँ और फ्लाई बग वगैरह आके चिपका हुआ है। ये हमने ये पूरे बना लिया है, ये ऊपर लाइट जल रहा है, ये मेरे गार्डन के जो दीवार है साइड में जहाँ से एंट्री होती है ऊपर आने का, उसके साइड में दीवार है, वहाँ पे लाइट लगा हुआ है। उस लाइट के नीचे मैंने इसको टांग दिया है, और ये देखिए मेरे जब से मैंने टांगा है तो उसमें रात में बिल्कुल मेरे पौधे पे एक भी कीड़े नहीं दिख रहे, और इसका ग्रोथ भी, इसकी पत्तियाँ भी बहुत अच्छा दिख रहा है। नहीं तो पहले तो कुछ पौधे के जो पत्तियाँ है उसमें छेद छेद हो गया था, काफ़ी नुकसान पहुँचाया था पत्तियों को, तने को ये नुकसान पहुँचाता है। ये देखिए मैंने क्या किया है कि ये लाइट लगा दिया है, इसमें ये मच्छर मारने वाले बैट है मेरे पास, ये इस पर इसको पास में लगा दिया, इसको बटन दबा के रखा तो ये एक भी नहीं आ रहे, ये सारे कीड़े मकोड़े यहाँ से भग रहे हैं। ये देखिए बड़े बड़े जो उड़ रहे दिख रहे हैं तितली टाइप का छोटे छोटे, ये सबसे ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। ये टमाटर के पौधे में, मिर्ची, बैंगन, ये आपके जो फूल वगैरह है इसके भी जो पौधे सूख जाता है या पत्तियाँ जो जल्दी पीला पड़ जाता है, ये इन्हीं के वजह से पड़ता है। तो हम ये घर पे ट्रैप बना के इसकी रोकथाम कर सकते हैं। ये जैविक है, इसमें कोई केमिकल की यूज़ नहीं किया गया है। ये देखिए नेक्स्ट डे दिन के ये 8 बज रहे, मैंने आके देखा कि इसमें कितने मात्रा में चिपका हुआ है। ये देखिए एक रात में कितने सारे इसमें चिपका हुआ, ये सारे नुकसान करता है। धन्यवाद आपको सभी को।